अच्छा जी, देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लेयर्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। क्या जी? स्ट्रेटोस्फीयर, द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर है विच इज एक्सटेंड अबाउट 50 किलोमीटर, यानी कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर पर ये ऊपर मौजूद होता है। ठीक है जी, वहां पर जहां तक इसकी रेंज बनती है उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि आपने कहा था कि कल हमने कहा था ना कि भाई आप 1 किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो 6.5 टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, तो ये लेयर वहां से जब आगे चले जाएंगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कैसे? माइनस साइन है। यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या वजह बनी कि सेकेंड लेयर की टेम्परेचर का एकदम से इंक्रीज हो जाना? ठीक है, फिर कहते हैं अगर इस स्ट्रेटोस्फीयर की टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। आप सुनते चले आ रहे हैं कि ओजोन एक ऐसा लेयर है जो फिजा में मौजूद है, जो सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है। रोकने के बाद अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस जमीन तक आ जाएं तो ये आंखों की बीमारी विच कॉज हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है जी, तो कहते हैं कि अबाउट 10 ppm पार्ट पर मिलियन, ये यूनिट है कंसंट्रेशन का। ठीक है जी, तो इतने मैक्सिमम अमाउंट में ओजोन मौजूद होता है। अब ओजोन की एक खसूसियत ये है कि पहले जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ते हैं ना, सनलाइट, देखिए जी ओजोन कैसे गर्म करते हैं सेकेंड लेयर को। देखिए जी, ओजोन जब सनलाइट पड़ते हैं तो सनलाइट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट से एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो O3 मॉलिक्यूल्स टूट जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में और नेसेंट ऑक्सीजन में, यानी कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, बॉन्ड टूट गए। फिर क्या होता है? ये दोनों फिर से एकदम से मिल जाते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम रखता है ये भी। मुसलसल चलते रहते हैं, ये मुसलसल चलते रहेंगे। तो अब क्या होता है जी, ओजोन का टूट जाना, जब ये टूट जाते हैं ना तो ये कौन सी रेस एब्जॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट रेस। वो अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन यहां पर एब्जॉर्ब करके खत्म करता है और खुद टूट जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन में। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ये क्या करेगा? ये दोनों आपस में दोबारा से मिलेंगे। मिलने के बाद फिर क्या बनेगा? O3। लाजमी बात है, जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था उतना एनर्जी रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? और वो जो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट में, जब इन द फॉर्म ऑफ हीट में एनर्जी रिलीज करेंगे तो आपका एटमोस्फेयर गर्म होगा, हीट अप होगा, वार्म होगी। ठीक है ना, गैसेस गर्म होगा, तो उस सूरत में इसके टेम्परेचर में अच्छा खासा इंक्रीज आ जाते हैं। अगला देखें, मीजोस्फीयर। क्या जी? लफ्ज मीजोस कहते हैं ना मिडिल लेयर, यानी कि थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कि 80 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से दूर है। ठीक है कि नहीं, इसकी रेंज इतना है, 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इस लेयर में, इस लेयर में क्या होता है? अब देखें, इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर दोबारा फॉल हो जाते हैं, दोबारा डिग्रीज हो जाते हैं। देखिए जी, -5 पे पहुंचा था ना, फिर -5 से कहां तक पहुंचा? -93। ये याद रखो, एग्जाम में जो ना आपको MCQs आते हैं। ठीक है नहीं, ये टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर फॉल्स फ्रॉम टू फ्रॉम, तो याद रखो शुरू में कहां से कहां तक थे? 17 से -55।
फिर माइनस 55 से माइनस 5, फिर माइनस 5 से माइनस 93. दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द लेयर. यानी कि यहां पर दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर, दिस वन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक हो गया जी. और कहते हैं कि इस लेयर में क्या होते हैं, इन दिस लेयर, ठीक है कि नहीं, ये जो मेट्रोइड्स होता है, शहाब जिसे कहते हैं, शहाब, ठीक है नहीं, टूट जाता है, वो जमीन के सरफेस की तरफ आ जाते हैं. तो ये मेसोस्फीयर क्या करते पता है, कि वो अर्थ सरफेस तक आने तक, अर्थ सरफेस से टकराने से पहले पहले वो वहां पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं. तो ये बचा देते हैं अर्थ सरफेस को मेट्रोइड से, ठीक है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मेसोस्फीयर. ठीक हो गया. इसके बारे में कोई है जो है ना.